यहाँ कॉम्बिनेशन हुआ भैया।
अम्मा आजमा के देखो भाई, मजा आ जाएगा। और ध्यान रखना, पान सेवन इतना आसान चीज नहीं है, ठीक है? इसके तीन प्रचलित विधान हैं। अगर सुबह ले तो वाइब्रेट मोड, दोपहर में ले तो एयरप्लेन मोड, और श्रीमान अगर शाम को लेंगे तो सीधा स्विच ऑफ भी हो जाएंगे। हाँ जी जरूर, और रखेंगे। पर अभी हमें ना थोड़ा काशीनाथ जी से मिलने जाना है। आपने बताया नहीं कि घर का रास्ता? अम्मा जी ने, हम ही है काशीनाथ सिंह, हो चुके हो तुम उनका रास्ता, चलो हमारे साथ। आप काशीनाथ हैं? अरे हाँ। अरे वो काशी, कैसे हो? अरे राम राम सहोदर जी। लड़का मान नहीं रहा है भाई कि हम ही है काशीनाथ सिंह। अरे हम गारंटी लेते हैं, यही है असली काशी। काशी जी, अरे मैंने बस बस, चलो चलो अब हमारे साथ चलो। बहुत मेरी शामें एक जमाने से यही ढल रही है, यही सूरज भोसरी के सवेरे सवेरे रात मंदिर घर से निकलता है, सफेद जग के आसमान की चोटी पर पहुंचता है और शाम ढलते ढलते गिर पड़ता है किसी पप्पू की दुकान पे, किसी कांच की मेज पर, किसी कांच की गिलास में। चलता तो है गोला बनकर, गिरता है गोली बनकर, काम की हरी गोली। वाह सोना जी। उनको किसी ने बताया है कि कवि जी का कमरा खाली है और कवि जी फिरंगी किराएदार ढूंढ रहे, बस तभी से ये कवि जी की फिराक में लगे हुए हैं। सहोदर जी, सच्चाई कहानी बताते हो, शर्मा रहे हैं शायद। हम बताते, वो जो स्वीडन में पुरस्कार देने वाली समिति है ना, उन्होंने भेजा है उनको कि जाओ और सहोदर जी की कविताओं का टेप ले आओ, अनुवाद करके देखेंगे। अब हम अनुवाद से अपने रविंद्रनाथ को नोबेल दे दिया, तो हो सकता है अपने सहोदर जी को भी दे दे। सही बात है, और आजकल वैसे भी भारत में विशेष कृपा चल रही है। आपके रिसर्च देख लीजिए, पिछले वर्ष देखिए, आपके असाइन देखिए। अरे अगले साल अपने सहोदर जी को ही देख लीजिएगा टीवी पे। सब सुन रहे तिवारी, सुच्चे हैं सब, चलते हैं चौकटे भोसरी वाले। आप ऊपर स्टेज चालू कीजिए, एकदम धार चलता भरोस रहा हूँ, तैयार है ना? हाँ तो सुनिए, कि बर्फ का वो शरीफ टुकड़ा, टुकड़ा समझते हैं ना चाची जी, बर्फ का वो शरीफ टुकड़ा शराब में क्या गिरा बदनाम हो गया। बेटा तिवारी, ज्यादा बिकवाता मत पा दो यहाँ हो तो लोग तो फूटो यहाँ से। हाँ तो चला, हम कहाँ थे? वो शरीफ टुकड़ा शराब में क्या गिरा बदनाम हो गया। अरे जितने में देता सफाई, उतने में घुस शराब हो गया। सारा हम ही गलत जगह बैठ गए जहाँ प्रतिभा का कदर ही नहीं है। दरअसल ये अड्डा चुहेरों बंदों का अड्डा बन गया है, ताली बजाने में कतराते हैं साले। यूं तो नहीं कि टूर जैसे तुम्हारे एक जगत प्रसिद्ध कविता की कविता के प्याने आए हैं, तुम्हें भी अपना काम करने दो और तुम भी आनंद दो, लेकिन नहीं, तैयार है कुत्तों की तरह साले। काशी जी, हाँ, अगर आप घर चलेंगे, चलते हैं क्यों, वही ठीक रहेगा। परंतु हम देखिए, अगर आप साथ चलेंगे तो इसी शायरी के आगे कंस भी सुनाऊंगा। चलिए फिर, हम कैसे इनकार कर सकते हैं? चलिए, हमको मना किए। हाँ बेटा कमल, तुम्हें हमारे साथ चलो। देखो, जो लेना हो ले लो, जान ले लो, जहान ले लो, धर्म ले लो, ईमान ले लो, मकान ले लो, दुकान ले लो, बाकी घर मत चटो यहाँ। Don't speak to me.
तुमको तो बनारस का रंग चढ़ गया है। काम बूटी छान कर। हाँ बहुत बढ़िया। अच्छा सुनिए, नहीं है क्या बोला? हाँ बोल रही हैं हम तो बस यहीं आए थे प्रोफेसर गया सिंह से मिलने, हमारे अपॉइंटमेंट थी उनके साथ। समझा नहीं मैं? हाँ आओ उनसे मिलवाते हैं तुम्हें, बहुत मशहूर व्यक्तित्व है बनारस के। आओ। ये है प्रोफेसर साहब। ये भाई साहब तो सो रहे हैं, क्या है क्या? हम आप अगलेट होगा मालूम नहीं है कि मास्टर की सुबह और रंडी की शाम कभी खराब निकलते। क्या हो गया बेटा, रो क्यों रहे हो? पिछले हफ्ते गया नहीं थे मिला था, एक जरूरी काम है। हाँ तो जरूरी है तो मिल लो, यही तो है। हो गया है
दाल तरकारी में नमक नहीं है और ये सारे चुनाव जीतने निकले हैं, बताओ। पर आज का ना मुख्य मुद्दा फिक्स हो गया गड़ों का। हाँ बिल्कुल हो गया है, यहाँ के जो सारे सदस्य है ना सब किसी ना किसी पार्टी के मेंबर हैं, पर हाँ बंधुआ किसी के नहीं, सब गुंजाइश रखते हैं कि भाई इससे उसमें और उससे इसमें जा सके। ये वहाँ जो राम वचन पांडे बैठे हैं ये थोड़ी एक्सेप्शन है, ये 15 साल से सभा में ही है, इससे उसमें और कहीं नहीं जा सके। क्या हाल है राम वचन जी? अरे काशी जी चले इधर भी आ जाइए। अरे आप इधर आइए ना, चलिए सभा बैठाते हैं। अरे भिजवाई दो, पूछने का क्या है। सुना आपने क्या कह रहे थे चित्रंजन? नहीं नहीं हमने तो नहीं सुना। अरे यही कि कॉमरेड मिश्रा को हार्ट अटैक हुआ, साला दिल धाले तो कहाँ से हार्ट अटैक, बड़ा पत्थरों को क्या घंटा हार्ट अटैक आएगा। हाँ वो तो छोड़ दिए हैं यार, अब तुम भी छोड़ दो। अरे ऐसे कैसे छोड़ दे भाई साहब, हम छोड़ने वालों में से नहीं है। पांडे जी आपको कोई हक नहीं बनता ऐसे महापुरुष के जीवन पर कीचड़ उछालने का। न जाने कितने युवाओं के सीनों में क्रांति के बीज वो है कॉमरेड मिश्रा। भाई साहब ये लाल झंडा पकड़ लेने से और जय गुआबरा का टी शर्ट पहन लेने से क्रांति। अरे ये युवा देश के प्रगति में हाथ बटाने के बजाय जगह जगह धरना और तमाशा कर रहे हैं। अरे कॉमरेड बाबू आप ही देखो, आज हर लेफ्ट या जेएनयू का लौंडा निठल्ला बैठा है, सड़क सबका सब धरना देने में पागल है। और अगर धरना देने से मन भर जाए तो कुर्ता पहन के एनजीओ में बैठ जाते हैं सारे आरएसएस वाले भी। फर्क सिर्फ इतना है कि आरएसएस वालों को जबरन ठूसा गया है बिना सोचे समझे कि वो कितने लालायक है। साले कहते क्रांति कर रहे हैं। अरे भाई साहब क्रांति तो वो लोग कर रहे हैं जो अनपढ़ और गवार है, मार भी वही रहे हैं, साला मर भी वही रहे। अरे पांडे जी आज तो आपको पार्टी देना चाहिए भाजपा के साथ होने की खुशी में। कहा पांडे जी मिठाई मंगवाए क्या? चलिए पांडे जी आपकी इस बात पर तो कोई संदेह नहीं कि देश के लोकतंत्र में हमेशा गरीब की ही मारी। अरे होगा क्यों नहीं, ये आजकल के नेताओं की जो नेतागिरी है प्रेस पब्लिसिटी वाली नेतागिरी है, ये तो बस बड़े बड़े अखबारों में फोटो खिंचाएंगे बयान देंगे, वैसे तो ये सभाओं में चोर चक्कों को गालियां देंगे और देश को अपराध मुक्त करने के वादे करेंगे, पर अंततः इन्हीं चोरों चक्कों के बल पर चुनाव जीतेंगे। अब हारे की भीड़ में काफिला चलता है और जनता का क्या, चुनाव बाद हर हर महादेव जनता सीताराम शायद आया। बताए की बात क्या हो कॉमरेड, और ये कौन सी नई बात है, सदियों से ऐसे ही चला आ रहा है। ये नेता लोग इलेक्शन के टाइम पर खूब गाली देता है चोरों चक्कों को और उन्हीं की मदद से इलेक्शन जीतता है और उसके बाद उन सालों को अपने सर पे बिठा कर रखना पड़ता है। लेकिन यहाँ एक गौर करने वाली बात है, सब जगह ऐसा नहीं होता। हमारे पांडे जी के बिहार की जो हालत है ना वो थोड़ी डिफरेंट है। सही बोले सही बोले, बिहार में नेता वही हो सकता है जो खुद पेड़ लगाए पानी दे कटाई करे, समझ रहे ना हमारा मतलब, मतलब वही कि जो खुद 10-5 कतल करे चोरी करे डाका डाले, यूं तो नहीं कि खुद पाक साफ बना रहे और दूसरों से ही सब करवाता है। इस मायने में बिहार देश की राजनीति का मॉडल है, देश की राजनीति को इसी रास्ते जाना है, सारा ऐसा ही बनना। ये आ रहे हैं राधे श्याम पांडे, ये आचार की दूसरी किस्म, इनका मर्तबा है राष्ट्र स्वयं सेवक संघ, वो अकेली जगह जहाँ से कोई इधर उधर नहीं आता वहीं पर रह जाता है। अरे अरे देखो कौन आया है, भाई साहब आप ही का इंतजार था, हमें तो लगा आप जा रहे हैं। अरे भाई कहाँ जाएंगे हम, अरे आपकी सरकार तो जा रही है, हमें लगा आप भी निकल जाएंगे। अरे गंजा सरकार जा रही है, सरकार जहाँ थी वही है और स्थिर है। जब से हम सरकार में आए हैं पहली बार देश में कुछ काम हो रहा है, अरे विकास हो रहा है देश का, तो ये देख के गाल क्यों लहर गई है आपकी? होगा तो हमें तो खुशी ही होगी।
एक घंटा खुशी होगी आपको। हमारे वाजपेयी जी ने देश के विकास के लिए कितना कितना काम किया है। अरे नए नए फ्लाईओवर बनवाए हैं, सड़क हाईवे एक्सप्रेसवे बनाई हैं, इंडस्ट्रियां खड़ी की हैं, और आपने इतने साल में आपके नेता की क्या उखाड़ सके। अरे सोच समझ के बात कीजिए, अपनी जवानी अपनी जिंदगी दी है हमारे नेताजी ने इस देश को। जवानी काहे की जवानी है? अरे नेताजी की जवानी तो उनकी घरवाली ने नहीं दी है। देखो भाई साहब, वैसे तो फालतू में हमारा दिमाग नहीं सरकता, अरे लेकिन जब कोई कान में पेशाब करके जाए दिमाग तो गर्म होता है ना। गुरुजी आप ही बताओ, कभी जूठा खाने वालों ने शासन किया है जो आज करेंगे? जूठन का मतलब समझते हैं ना, वो हर गांव में हर घर में एक कुत्ता होता है जो घर खेत की रखवाली का काम करता है। जब उसका मालिक रात या दोपहर का खाना खाता है तो अपने खाने का आखिरी जूठा उस कुत्ते के लिए छोड़ देता है। वो कुत्ता उस समय जहां कहीं भी ना हो मालिक की एक आवाज लगाने पर दौड़ता चला आता है। अरे इन साले भाजपा वालों का आरएसएस प्रचारकों के साथ यही रिश्ता है। ये साले प्रचारक एक कुत्ता और धोती रख लेते हैं और घूम घूम कर साइकिल पर प्रचार करते हैं। जहां कहीं मीटिंग हुई तो खान पीन का इंतजाम भी उसी क्षेत्र का संघी करता। ये संघी हर घर एक पॉलिथीन भिजवा देगा और उस घर की औरत से कहेगा, बहन जी इसमें दो आदमियों के लिए 10 पूड़िया और सब्जी रख दीजिएगा, आकर ले जाएंगे। अरे भौसड़ी वालों को जीवन भर आटे और दाल का भाव तो पता चला नहीं, क्योंकि खाए तो है ये जीवन भर झूठा। अरे ऐसे लोगों के हाथ में शासन आएगा तो यही होगा। और लोग चिल्ला रहे आलू गायब है, प्याज गायब है, बीजेपी वालों को गालियां दे रहे। अरे देश तो इनके एजेंडा में कभी था ही नहीं। इनका एजेंडा था तो राष्ट्रीय स्वाभिमान और गो संरक्षण। देश भोसड़ी का डूबता है तो डूबे, ये तो अयोध्या। आप कैसी समझेंगे इस बात? आप तो जाओ दुम हिलाते हुए मैडम जी के पीछे पीछे इडली और सब बनाना राघवी बाबा का टाइप पर। लेकिन आप लोगों ने अयोध्या में जो काम किया है ना, उसके बाद तो आपको वीजा मिलने सकता है। जब से जनता ने चुनाव में डंडा किया है तब से दो फाड़ हो गई है तुम्हारी, अब बस चुनावी मुद्दा टटोल रहे हो तुम। अरे अयोध्या ने तो किसी तरह प्रधानमंत्री दे दिया, तब कुछ ऐसा मुद्दा ढूंढो जो बहुमत की सरकार दे दे। अरे देश का नहीं बनाओ क्या, जिन्हें मुसलमान होने का बोर्ड नहीं था वो सब मुसलमान हो गए। रातों रात सारी मस्जिदों की मरम्मत हो गई, सजावट हो गई, लाउड स्पीकर लग गए। अरे जिन मस्जिदों पर कभी नमाज नहीं सुनाई पड़ती थी वहाँ बोल शाम बजाने सुनाई पड़ती है। और सुनिएगा, जो कभी नमाज पढ़ने नहीं आते नमाज में निमित थे वो अब नमाज में निमित हो गए। गाजीपुर बक्सर आजमगढ़ के पूरे इलाके में हिंदू से मुसलमान हुए लोग कितने ज्यादा है, वो सब ये भी जानते हैं कि हम एक जमाने से एक ही घर गृहस्थी एक ही परिवार के हिस्सा है। अरसे से वो ठाकुर ब्राह्मणों के बिना किसी भेदभाव के आते जाते रहे, कोई फर्क नहीं मालूम होता था तुम्हें। किनारे मंदिर मस्जिद बनाकर जमीन हड़पने का, मुसलमान भी हड़प रहे लेकिन वो तुम्हारी तादाद में कहीं है। अरे मस्जिद बनाने में समय जो लगता है, यहाँ तो बस एक ईंट या पत्थर फेंका, सिंदूर लगाया, फूल पत्ती चढ़ाया और माता टेक के बोलो जय बजरंगबली। क्या है ओम हरि ओम हरि ओम। नमस्कार नमस्कार। काशी जी सब निकल क्यों लिए?
अरे देखे नहीं भाई, गया से आ गए हैं यहाँ पर। अब इनके पास दो ही रास्ते हैं, या तो बैठ के शाम भर इनका विस्फोटक भाषण सुने, या चाहे घटक खिसक ले। अब तो तुम मिल चुके हो भाई प्रोफेसर साहब से, तुम समझ गए हो कि ये इंसान नहीं स्पीड ब्रेकर है। चला बात का जो भी गति चल रहा हो सटाक से रोक देते हैं। मजे की बात तो ये है भाई कि ना ये बोलने से पहले किसी की सुनते हैं, ना उसके बाद, और इनकी भी बात कोई नहीं सुनता है, क्योंकि गया से इनका बोलना सुनने की चीज है ही नहीं, देखने की चीज है। अरे काशी जी, क्या हंगामा हो रहा है सुबह सुबह? अरे कुछ नहीं, बस सुबह की खुर्की है। अच्छा, आप बड़े फ्रेश लग रहे हो आज। अरे बस आपकी कृपा है, चलिए हम चलते हैं, शाम को मिलेंगे। राम राम। राम राम जी, राम राम। क्या लोकतंत्र है ये काशी जी? अरे धर्म के नाम पर खून की नदी बहाने की बात करता है। क्या हो गया भाई, क्यों इतने उत्सुक हो? अरे आपने नहीं पढ़ी क्या वो पर्ची? फेंक दी सर। हाँ हम तो फेंक दी। अरे अधर्म के बारे में लिखा है कि ध्वजा हम लहराएंगे, राम लला हम आएंगे, बह जाए भले ही खून की नदी, मंदिर वही बनाएंगे। अब आप भी बताओ क्या लिखा है और क्या समझूं मैं इसको? कहां तुम धर्म अधर्म की बातों में घुस रहे हो हैं? जो तुम्हारे लिए अधर्म है वो उनके लिए धर्म है। मगर अरे चलो इतनी टेंशन मत लो, वैसे भी हमारे जाने का समय हो गया, शाम को बैठ के बात करें। अरे रिक्शा। हाँ बस कुछ नहीं यार, स्टैंड पर छोड़ देते। अरे अरे पप्पू सुन लो मेरी बात। इन लोगों की बातों पे जो है ना क्या ध्यान मत दियो। ये ससुरा पूरी दुनिया को समझाता रहेगा कि धर्म और राजनीति दोनों ही अलग चीज है, लेकिन आज की जनता बड़ी समझदार हो गई है। ये जानती है कि राजनीति में धर्म का क्या महत्व है। अब तुम देखना पप्पू, आज से 15-20 साल बाद एक भगवाधारी ही इस उत्तर प्रदेश पर राज करेगा और नेताजी के साइकिल का टायर पंक्चर करेगा। बस, वहीं तरफ आगे डेंजर जोन है।
को विदेशी समझते थे। इतनी अच्छी हिंदी बोल कैसे लेती हैं आप? बैठो 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 बैठो। सहोदर जी, ये है कैथरीन, बहुत पुरानी रहने वाली है बनारस की। बनारस पर किताब लिख रही है, बस हफ्ते भर से इन्हीं के साथ लिखा। सांस लगने से कुछ नहीं होता है, आगे लगो चाहे पीछे लगो, तुम्हारी प्रवृत्ति हो। ऐसे बड़ा आश्चर्य हुआ, पहचाने नहीं ने? ये है श्रीमती कैथरीन शर्मा, बाबा की बीवी। दूसरी के किस बाबा की? सैकड़ो बाबा है असी में, पूरे बनारस का तारी छोड़ो। ऐसे वैसे बाबा नहीं, बार्बर बाबा। ओ ओ, ओ। बार्बर बाबा की बार्बर बार्बर। अच्छा, लेकिन ये बार्बर बाबा कौन है रे? बार्बर है कि बाबा? कमल, इस इंसान को समझने के लिए इसके नाम को समझना बहुत जरूरी है। तो ये एक जमाने में बार्बर थे, नाई थे, और अब ये बाबा है, तो इसीलिए बार्बर बाबा। जिस चौराहे तुम रुके हो ना कमल, उसी जगह इनका एक हेयर कटिंग सैलून था। वो तो दुकान बंद कर दी क्योंकि धंधा थोड़ा मंदा चलता था। पर वहाँ तो चार से पांच अच्छे अच्छे सैलून है ना। हाँ, इसलिए धंधा मंदा चलता था। ऐसा लिहाजा कब तक चलता? तो नाके राम शर्मा शिफ्ट हो गए अस्सी घाट में, अपने पूरे अपैरेटस, पुस्तरा, कंगी लेकर आए थे हेयर कटिंग का सामान लेकर। आप धंधा चालू कर दिया हीरोइन चरस गांजे का। वैसे भाभी, आपसे कभी सुना नहीं, आपकी मुलाकात कैसे हुई भैया से? मैं बस हिंदुस्तान आई ही थी और सारनाथ पर अपनी पहली किताब लिखी, तभी एक बहुत बड़ी समस्या। अब ना तो मेरे पास रुकने के लिए घर था और ना ही रुकने के लिए वीजा। ऐसे में नाकेराम जी ने मुझे सहारा दिया। बस फिर मैंने अपनी किताब का काम शुरू कर दिया। कुछ ही दिन नाकेराम जी के साथ रहने के बाद मुझे ये बात साफ हुई कि हम शायद एक दूसरे के लिए भी। अच्छा, तभी अब पूरी बात हमको समझ आई ना। तो उसी के बाद आपके हाथ में हाथ डालकर नाकेराम को गए लापता। अरे लापता तो लापता, हमको का पता? तो दूसरे लोगों ने खोजबीन करी तो पता लगा कि नाकेराम साला सधुआ गए हैं। अरे अज्ञातवास में चले गए हैं, बाबा बन गए हैं। बताइए, बार-बार से सीधा बाबा। बिल्कुल बिल्कुल, और उसके बहुत सालों बाद लौटे नाकेराम शर्मा मैडम के साथ हिमालय से। हमें एक नजर में तो हम भी ना पहचान पाए कौन है। उठने तक लंबा गेरुआ चोगा, लंबे बाल, सफेद दांत और साईं बाबा जैसा तेज। कौन कह सकता था ये आदमी अस्सी में नाई था? तो वो नाई भाई नहीं, जगत प्रसिद्ध योगी और साधु थे। हाँ, 10-12 अंग्रेज चेले चेलिया तो उनके पीछे ऐसे ही। अरे बस कर तिवारी, चाट चाट के गांड गिली कर दिया। पर बात ये है कि ये मैडम यहाँ बैठ के आप किताब लिख रही हैं और वो बार बार योगा सिखाते। बताइए, पूरी कहानी तुम्हारी सुन ली। वही नहीं आ गए रहे तिवारी बे? अरे सौदा जी, बिना कह रहे हो। सुन के नहीं तो क्या करे, जब देखो किसी ने किसी को उठा के ले आते हो। अरे सौदा जी, कहती भाभी बहुत मशहूर लेखक है, बनारस पर किताब लिख रही है। हमसे बोला किसी जानकार और ज्ञानी व्यक्ति से मिलाइए, तो बस हमारे मन में तो बस आप ही का नाम आया। इनसे मिलिए, ये है महाशय सहोदर जी। अब क्या लिखते हैं, कहे जाते हैं बनारस के महाकवि नहीं है। बस तिवारी, सब समझ गए, आगे हम सब संभाल लेंगे। बनारस में लिख रहा हूँ एक बार का, इससे बड़ी मदद मिलेगी आपको। मेरा पहला ही चैप्टर है बनारस का इतिहास। तो कहिए, कुछ कहने पेश करूँ? अभी भी हम वहीं से आ रहे हैं। आपको मैं बता नहीं सकती हूँ कि मुझे अपनी रिसर्च बताने में कितनी मुश्किल का सामना करना पड़ा है। मुश्किल है? ये मुश्किल है किस कारण? कुछ तो मेरे विदेशी होने के कारण और कुछ उनके लालच के कारण। हाँ, तो हर एक आश्रम के रजिस्टर में ये 50-60 विधवाओं के नाम। मैंने जाकर देखा तो पाया कि हर एक विधवा को पेंशन मिलती है समाज कल्याण विभाग। कुछ तो ऐसी भी है जिनके घरों से मनी ऑर्डर आते हैं उनके, और कईयों के घर वाले तो राशन पानी भी भेजते हैं उनके गुजारे। ये सब आता जरूर है लेकिन मिलता नहीं है। जब मैंने ज्यादा जांच की तो पाया कि 4-5 कमरों को छोड़कर सारे कमरे बंद, किसी भी आश्रम में 8-5 से अधिक विधवाएं नहीं मिली,
और जो थी भी वो या तो झाड़ू पोछा कर रही थी या बर्तन मांग रही थी, कुछ आया का काम कर रही थी और कुछ मंदिरों के आगे दिखाने। हाँ तो आपकी चिंता ये है कि जो रकम आती है विधवाओं के लिए वो कहाँ जा रही है? नहीं, मेरी चिंता ये है कि विधवाओं के नाम लिखे हैं रजिस्टरों में वो कहाँ किस हाल में है, वो जो अपने मुश्कंडे चेलों चपाटों के साथ मारुति बुलेरो स्कॉर्पियो जैसी गाड़ियों में घूमता है, क्योंकि पूजे तो वही जा रहे हैं जो गाड़ियों में घूम रहे हैं। आश्रम और मठ भी उनके, चेले चपाटे भी उनके और भक्त भी उनके, जो धूनी रवाए बैठे हैं उनकी तो भिखारियों से ज्यादा औकात नहीं है। सहोदर जी, मैं बड़ी घूमी और अंततः इस नतीजे पर पहुंची कि शायद ही कोई ऐसा साधु या सन्यासी होगा जिस पर कत्ल के 10-5 मुकदमे ना, जिसके पास अवैध हथियार ना हो और जो आश्रम के नाम पर 5-10 एकड़ जमीन ना कब जाएगी, तो किसे कहेंगे आप सन्यासी? अरे आपके बार बार बाबा को हैं? अरे बाबा के बारे में मत बोलिएगा, बाबा तो योगी और साधु हैं, सन्यासी नहीं। और चलो यही है मेरे कहने का मतलब सहोदर जी, कि आंकड़े हैं मेरे पास रांडो सांडो और सन्यासियों, बता सकती हूँ मैं कि कितना अंतर आया है इनकी संख्या में पिछले 5 सालों में। और अगर आप बुरा ना माने तो मैं कहना चाहूंगी कि बनारस डाइन, बनारस जिसके बारे में आप पढ़ते हैं या सुनते हैं, वो मर रहा है क्योंकि वो अपनी जड़ों से दूर होता जा रहा, वो मर रहा है क्योंकि उसने कीड़े लगे। अरे क्या चाहती आप है कि मतलब वो मठ आश्रम में विधवाओं से भरे रहे और साधु संत दाढ़ी धड़ा बनाकर लोगों का चूतिया काटते रहे हैं? अरे आस्ते आस्ते गए बहू, आए थे। अरे तुम तो रहने दो, कहला घंटे भर से सारे ला रहे हो इस बात पे कि बनारस मर रहा है। अरे इस बनारस में आप भी हैं, हम भी हैं और ये पूरा अस्सी भी। अरे अगर बनारस सड़ रहा है तो उसके कीड़े दीमक यही फिरंगी है। अरे सात समंदर पार से इसी बनारस के लिए दौड़ लगाते हैं और यहाँ आके कहते हैं कि मर रहा है, और आप हैं कि तब से अपना मुंडी हिला रहे हैं इस लालच में कि 500 रुपया कोई फिरंगी किराएदार मिल जाए और उसका सेवा सत्कार में आपका पूरा परिवार ये नहीं देखते कि यही साले मार रहे हैं बनारस को और फिर कहते हैं कि मर रहा है। बताइए लिहाज कीजिए ना महिला का। अरे महिला है तो क्या, कपाल पे चढ़ के मुंह देगी? तुम तो मतलब और आप, मुझे लगा था कि आप मुझे सन्यासियों के पास लाए हैं, विद्वानों के पास लाए हैं, ये कैसी लगा? अरे चाहिए चाहिए। अरे बुरा ना माने, इनका पिताजी का भी ध्यान हुआ है। अरे बुरा ना माने। आओ सहोदर बैठो, जाने दो अंग्रेजी को, अरे बहुत दिन से हो गए भजन नहीं सुने, तो सुनाओ यार। याद रहो यार। अरे तुम काहे पिनक रहे हो बे? मक्का लगाने कोशिश न कीजिए, बड़ा गंदा काम किए हैं अभी। आज ना एक नई बात पता चली है कि ब्राह्मणों में तिवारी, ऊंट की सवारी, हैजे की बीमारी, लालाओं में पटवारी, घोड़े की तरकारी और उसमें एक और जोड़ अमरीकन नारी, इन लोग का कोई भरोसा नहीं। जनाब बनारस मर रहा है, लेकिन उस कारण से नहीं जिनसे ये अंग्रेजिन बता कर गई है। अरे इन लोग के पास तो पूरी दुनिया है ना, हमारे पास तो केवल अपना बनारस। अरे सहोदर जी, वो केथी के आंकड़े तो सुनिए आपने, अब गया सिंह के आंकड़े सुनेंगे। अरे आपको पता है कि बनारस में कितने किलो मॉर्फिन, ब्राउन शुगर और वो चरस का खपत होता है, और घाटों पे गुल्ली डंडा की उम्र के बच्चे नियाग्रा वियाग्रा ना जाने किन किन चीज का पुड़िया बनाकर खरीद रहा है, बताइए। तो ससुरा टीवी का कमाल है ना, टीवी तो निरोध और कंडोम की बातें करता है, ये तो वो सीख रहे हैं जो देख रहे हैं। अरे ये सलामी की लोग यहाँ पे सिर्फ डॉलर का धंधा करने आते हैं, समझे? डॉलर अमरीका की जीभ, वो जीव जिससे पहले तो किसी को बड़े प्यार से चाटता है, लेकिन सदा तब तक चाटता रहता है जब तक चमड़ी ना उतरे। और समझते क्या हो, जो देश सोवियत इराक जैसे देशों को देखते देखते डकार गया, उसके लिए हमारा बनारस कौन सी चीज है? कहाँ गए बाबू, कहाँ का कहाँ जोड़ रहे हैं,
हम तो आपको समझदार आदमी समझते थे। अरे सहोदर कहाँ जा रहे हो, सही समझते थे। अभी तो ये मैडम कुछ नहीं बोली है, आगे आगे देखना कॉन्ट्रैक्ट भरेंगी। बोलेंगी अस्सी झरझर हो रहा है, ठहरा है, क्या कीड़े लग रहे हैं और क्या मर रहा है। और हमको दे, हम नया कर दे एकदम चकाचक। कल अस्सी कल बनारस को चमकाएंगे, परसों दिल्ली को ठीक करेंगे, दो चार दिन और दे दो पूरे देश को ही गोद ले लेंगे। और फिर कहते हैं कि इनको चाहिए अतिथि देवों का। बताइए अब तुम क्या सर पे सारा कुछ ठीक है। अरे चलिएगा अभी अब 11 बज गया है। क्या हो गया, क्या हो गया? अरे तो दुकान बंद नहीं करेगा, भोरे शाम आप ही का भाषण। अरे तुझे तो कौन सुना, चल चल। अरे हो गई पप्पू साहब की शाम पर बात भाई, अभी तो गया से ही पकड़ लिए हैं, रात भर तू ढीला करके छोड़ेंगे दिमाग का। बहुत सुना पड़ गया है सब, क्या हो गया भाई तुम कहा इतने गुमसुम? याद नहीं काशी जी, पर आप ही ने हमसे कहा था कि गंगा की गोद में बसा हुआ है शहर और गंगा ने इसे माँ की तरह पाला है। आज वो माँ शर्मसार हो रही है अपने बेटे को, खोखला हो गया है ये शहर। और दीमा का काम क्या है ना, ये आपकी राजनीति है। अरे राजनीति जिसका काम है देश को चलाना, वो सारा लोगों का दिमाग चला रही है। लोगों का तो नहीं पता, तुम्हारा दिमाग बहुत चल रहा है। यही बस यही गलती है आपके गड़ाऊ गदर की और ये सारे तमाशे। अरे जिस गड़ाऊ गदर में बातें होनी चाहिए राजनीतिक, पर पारिवारिक चीजों को आगे बढ़ाने की वो सब मार रहे हैं सबको। अरे फुर्सत कहा था ना अपने की, फुर्सत बना रही है लोकतंत्र की ताकत, अरे घंटा बना रही है ताकत, मजाक बना के रख दिया सारा सब कुछ। एक कम्युनल कैंसर बन गया ये गड़ाऊ गदर। मजाक? अरे मानवता अपने में दुर्घटना है, इससे बड़ा मजाक भला और क्या हो सकता है भाई। साला बंदर के दिमाग में थोड़ा नींबू मिर्च क्या डाल दिया, वो खुद को दुनिया का राजा समझने लगा। ये जो समाजवाद और प्रजातंत्र की किताबें हैं ना कमल, उनको इंसान को थोपने की गलती मत करो। तो अगर इंसान को उनके तराजू पर तोलोगे तो इंसान तो बेचारा हमेशा हमेशा ही मतलब क्या बताएं, हल्का ही पड़ेगा, हल्का ही पड़ा है। अरे समाज कोई गणित की तरह थोड़ी ना होता है भाई कि दो और दो मिलाओ और हमेशा चार ही मिले। हर इंसान अपनी सामाजिक परिस्थितियों और भावनाओं का मूलभूत होता है और उनसे वो अपना उद्देश्य पूछता है। अब लाख गलतियां निकाली है तुमने गड़ाऊ गदर और यहाँ होने वाली बकचोदी में, पर एक बात समझ लो कि यहाँ जो भी आदमी है जो भी कह रहा है उसको अपने उद्देश्य का भान हो गया है और वो ही पूरा करने के लिए वो ये बकचोदी कर रहा है। यार तो क्या गलत कर रहा है? तुम खुद को देखो भाई, तुम अपना उद्देश्य सोचो। अब क्या करना है हमारे इस नाले का? नाक बंद कर साइड से खिसक लोगे या फिर उसके अंदर घुस कर उसको साफ करने की कोशिश करोगे? और फिर अगर डूबे तो डूबे। इंसान तो हमेशा गांडू था, आज है और रहेगा, और जब तक इंसान रहेगा तब तक उसकी ये क्रांति रहेगी। अब तुम अपना उद्देश्य खोजो बेटा, अपनी क्रांति को। हाँ है क्या तुम्हारे पास? है बड़ी नहीं छोटी रखे हैं। हाँ चलेगा।
श्री